तो आज हमारे पास फ़ोन आया हुआ है रेडमी का नोट 11। तो इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन शॉर्ट है, ये मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ अभी। ये वाला बटन दबा के तो आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑफ किया यहाँ से और वही बटन दबाने रखा है। ठीक है, ये देखिए 49 एम्पियर ये ऑटोमेटिक ले रहा है। तो चलिए फिर चेक करते हैं प्रॉब्लम कहाँ से। कस्टमर कह रहा था कि चार्जिंग पे कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो एक बार चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चार्जिंग ऐसी यहाँ पे हीट हो रही है। अभी चार्जिंग केवल कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ हमने पावर सप्लाई पे कनेक्ट किया और ये चार्जिंग ऐसी हीट हो रही है। तो एक बार हम ये निकाल के फिर चेक करते हैं। तो इसका हम पत्रा बाहर निकालेंगे। तो पत्रा निकालने के लिए हम पहले पत्रे को रिसोल्ड करेंगे ताकि सेफली बाहर निकल जाए। जहाँ जहाँ आपका आयरन पहुँच सकता है वहाँ वहाँ आप इसको रिसोल्ड कर लीजिए, और जहाँ पे हमारा सोल्डर आयरन नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पे हम पीपीडी को अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आयरन नहीं पहुँचेगा, तो मैं यहाँ पे पीडी अप्लाई करूँगा। तो चारों तरफ हो गया, अब इसको हम स्टैंड में कस लें ताकि निकालते समय बोर्ड इधर उधर ना हिले। तो देख सकते हैं इस चारों तरफ से हमने इसको रिसोल्ड कर दिया है, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। ये मैंने 138 पीडी का यूज किया है सील्ड को ओपन करने के लिए। तो देख सकते हैं हमारा सील्ड ओपन हो चुका है और कहीं से भी बोर्ड का प्रिंट वगैरह डैमेज नहीं हुआ है। तो इस पर पेस्ट लगा हुआ है ब्लैक कलर का, तो हिस्टिंग पेस्ट है। तो इसको ऊपर क्लीन कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा बोर्ड बढ़िया से क्लीन हो चुका है।
तो हम एक बार आईसी को ओपन करेंगे। तो प्रॉपर आईसी को हीट करेंगे, उसके बाद ही उठाएंगे। उठाने से पहले एक बार आईसी को सेक करके देखेंगे, अगर आईसी सेक हो रही है तो तुरंत ही उठा लेंगे। तो ये देखिए हमने आईसी उठा लिया है, और एक बार फिर चेक करेंगे मीटर से कि इसकी शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे इसकी अभी भी देखिए शॉर्टिंग है, तो जहाँ जहाँ भी इसकी बीपीएस सप्लाई जा रही होगी वो लाइन पूरी शॉर्ट है। तो एक बार हम पावर आईसी की तरफ भी चेक कर लेंगे। तो जिस जिस सेक्शन में जाएगा इसके बीपीएच वहाँ पे हो सकता है शॉर्टिंग, लेकिन कुछ गर्म भी कोई चीज़ मतलब हाथ में बिल्कुल ही गर्म नहीं हो रहा, लेकिन शॉर्टिंग है इसमें। फिर एक बार थर्मल पे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कहीं कुछ मिलता है कि नहीं। अभी तक तो कुछ मुझे मिला नहीं, मैंने पावर एसी की शील्ड भी ओपन कर दिया है। अभी बचा है नेटवर्क सेक्शन, यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। क्योंकि आईसी मेरे ख्याल से मतलब इतनी कम हीट हो रही है कि मुझे प्रॉपर पता नहीं चल रहा, शील्ड ही ओपन करना पड़ेगा जब भी हमें पता चलेगा कि किस सेक्शन में शॉर्टिंग है। बढ़िया से इसको डिसोल्ड कर लेंगे पतरे को। तो बढ़िया से चारों तरफ से रिसोल्ड करेंगे। प्रॉपर चारों तरफ से हीट करना है इसको, और बीच में चेक करते रहना है, क्योंकि हमने 138 पीपीडी से इसको रिसोल्ड कर दिया है तो ये जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करो। तो देख सकते हैं हमारा
जो हमने सोल्डर लगाया था वो चारों से मेल्ट हो रहा है और ये सील्ड बाहर निकल जाएगी। तो देखिए बाहर निकल चुकी है। एक बार फिर हम यहाँ जंपर करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो देख सकते हैं ये जो हमने यहाँ पे बीपीएस सप्लाई जहाँ आती है वहाँ पे हमने जंपर कर दिया है और ये हमने पत्रा अभी हटा दिया है नेटवर्क की तरफ का। और एक बार फिर चेक करते हैं। एक बार मैं पावर केबल कनेक्ट कर देता हूँ फिर आपको दिखेगा। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको वोल्टेज दिया है और ये देखिए इसे नेटवर्क ऐसे हीट हो रही है नीचे की तरफ। फिंगर से टच करने में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये हीट हो रही है, लेकिन ये हीट हो रही है। तो एक बार इसको हम यहाँ से रिमूव करके चेक करेंगे। शायद पीछे भी हो सकती है हीटिंग, तो एक बार कंफर्म करने के लिए पीछे का पत्रा भी हटाएंगे। ये 4G AC की तरफ का हमें पत्रा हटा रहे हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि IC हीट हो रही है कि नीचे की नीचे वाली IC हीट हो रही है। तो ये हमने ओपन कर लिया है। और फिर अब एक बार चेक करते हैं, बोर्ड को ठंडा होने देंगे थोड़ा सा। तो ये मैंने वायर जोड़ लिया है और इसको फिर अब चेक करते हैं। तो एक बार बोर्ड को हमने पलट दिया है तो देख सकते हैं इधर कुछ भी हीट नहीं हो रहा, कोई आइस वगैरह। ये देखिए नीचे पीछे की तरफ बोर्ड बोर्ड ही गर्म हो रहा है, तो यानी जो हमारी जो बैक साइड IC है उसी में प्रॉब्लम है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे।
तो प्रॉपर इसको हम हीट करेंगे, जब प्रॉपर हमारी पैड सारे मतलब मेल्ट हो जाएंगे उसके बाद हम आइस उठा लेंगे। तो देख सकते हैं आइस के पैड मेल्ट होने लग गए हैं। तो देखिए ये बाहर आ चुका है, और एक बार फिर हम बोर्ड को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि जीआर वगैरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या अभी भी शॉर्टिंग बनी हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब बिल्कुल भी शॉर्टिंग नहीं है। देखिए प्रॉपर जी आर आ रहा है, एक तरफ रीडिंग आ रही है, एक तरफ ऑयल है मतलब ग्राउंड है। तो एक बार हम जो हमने चार्जिंग ऐसे रिमूव किया था वो उसको वहीं वापसी लगाएंगे, और सेट को ऑन करके देखते हैं हमारा सेट ऑन हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो देख सकते हैं आईसी लगाने से पहले हम इसको बोर्ड को बढ़िया से स्टैंड में लगा लेंगे ताकि बोर्ड हमारे इधर उधर ना हो। मैं आईसी को रिबोल नहीं करूँगा, मैं वैसे के वैसे ही इसको फिक्स कर दूँगा। तो देख सकते हैं आईसी बिल्कुल भी रिबोल नहीं है। तो जो आईसी तरफ गोल्डन पॉइंट बने हुए हैं हमने उसके अंदर रखना है आईसी को, और 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करना है। जब हम आईसी लगाएंगे तो हमारा हाथ हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्टेबल करके रखना है, थोड़ा सा हीट करना है, और जब थोड़ा फिक्स हो जाए तो चिमटी हटा लेनी है वहाँ से। तो देख सकते हैं मैंने थोड़ा इसको हीट किया है और ये फिक्स हो गई आईसी यहाँ पे, मतलब कुछ बोल कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं इसको प्रॉपर हीट करूँगा। तो देख सकते हैं आईसी नीचे से फ्लक्स बाहर निकलने लग गया है, और इसको अब हम सेक करूँगा थोड़ा सा। तो यह ऐसे हमारी अच्छी तरह लग चुकी है, बोर्ड को ठंडा होने के लिए 2 मिनट छोड़ देंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारा सेट शॉर्ट था इसमें से शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी। देख सकते हैं ये वही बोर्ड है, इसमें से हमने नेटवर्क ऐसी रिमूव कर रखी है अभी। वही मैंने केबल लगा दिया कि देखिए सेट हमारा सेट ऑन हो चुका है। तो एक बार सेट को पूरा ऑन करके देखते हैं। तो
और सेम आईसी मेरे पास है नहीं, तो ये मार्केट से मंगानी पड़ेगी मुझे, तो ये हम चेंज कर देंगे। कोई नहीं, जो प्रॉब्लम थी हमारी सोल्व हो चुकी है। देखिए हमारा सेट ऑन हो चुका है। आप लोगों को अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थोड़ा और देखते हैं हमारा सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रॉपर। ये देखिए हमारा सेट ऑन होने वाला है। टच वगैरह भी चेक कर लेंगे कि टच वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये देखिए टच हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पे। हाँ जी, बस आप कल तक रुक जाइए। ठीक है, शॉर्टिंग तो निकल गई तुम्हारी फोन की। ठीक है, ठीक है, चार्जिंग भी ले रहा है बस। बस ये, हाँ ये आईसी चेंज होगी, ओके हो जाएगा।